जनाब, आज की इस खास वीडियो में आप सभी के लिए हाजिर है मार्केट सिनेरियो सीरीज ऑफ टुडे एंड फ्यूचर। क्या है आज का भाव और क्या होगा आने वाले समय का भाव? यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट के खास बेहतरीन प्लॉट्स, हम सभी को पता है अभी करंट स्कीम भी चल रही है। तो आज इस खास वीडियो में हम आपको आज जो रेट चल रहे हैं हर सेक्टर वाइज आपको कवर करेंगे, साथ में किस तरीके का रेट हिस्ट्री में दोहराया गया है स्कीम वाइज वो भी कवर करेंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को सुने और शेयर करें। तो चलिए, वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे भाई बंधु, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और जो पहली बार आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खास अपडेशन आपको प्रॉपर्टी से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मिलती रहे। जनाब, सबसे पहले हम हिस्ट्री को दोहराते हैं आरपीएस 04/2021 की स्कीम से। कहने का मतलब अभी जो स्कीम आई हुई है वो है आरपीएस 06/2022, उससे पहले आई आरपीएस 05/2021 और उससे पहले लगभग आरपीएस 04/2021। तो आपको बता दे, आरपीएस 04/2021 में लगभग 440 प्लॉट अथॉरिटी ने निकाले, यमुना अथॉरिटी ने, जो कि सेक्टर 17, 18, 20, 22 डी में निकाले गए। इनकी जो डेट थी वो 1 मार्च 2021 थी और लगभग 30 मार्च 2021 को क्लोजिंग था। अब उस समय का अगर हम भाव की बात करें तो आपको ये बता दे, उस समय पे अगर आप कोई भी प्लॉट ढूंढते थे तो आपको 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट इजीली 55 से 60 65 लाख के आसपास का आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट वहां पे आपको मिल जाता था। और कहने का ये मतलब कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको 60 65 से लेके 70 लाख के बीच में आपको मिलता था। और अगर हम बात करें और बेहतरीन प्लॉट्स की, कहने का मतलब उससे बड़े साइज के प्लॉट, तो वो भी आपको इतने ऊंचे भाव में नहीं मिलते थे जो बाद के रेट्स में आपको आज की डेट में देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें आरपीएस 05/2021 जो उसके बाद में स्कीम आई, तो जो ये आरपीएस 04/2021 की स्कीम बंद हुई और उसके बाद का जो समय बीता, उसके बाद जो स्कीम आई वो आई आरपीएस 05/2021। आपको ये बता दें कि आपको सबसे पहले थोड़ा सा एनालिसिस जरूर समझिएगा, आपको ये समझ में आएगा मार्केट किस सेगमेंट में कहां का रुकी और किस स्तर पे आगे जाके गई, ताकि आपको अपने प्लॉट्स का भी रेट एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप ले सकेंगे। तो आरपीएस 04 से आरपीएस 05/2021 का जो स्तर रहा, आपको ये बता दें कि आरपीएस 05/2021 की स्कीम 23 दिसंबर 2021 को लॉन्च करी गई और 24 जनवरी 2022 को बंद कर दी गई। इसमें लगभग 416 प्लॉट्स सेक्टर 16, सेक्टर 17, 18, 20 और 22 डी के निकाले गए। आपको ये बता दें कि जो स्तर था, जो पहले आरपीएस 04/2021 के समय पे जो प्लॉट्स मिलते थे वो लगभग 55 से 60 और अच्छी लोकेशन के प्लॉट 300 स्क्वायर मीटर में 65 से 70 के बीच में मिल जाते थे। और आपको ये बताएं, जब जब ये स्कीम आई, मार्केट थोड़ा सा एक सेगमेंट एक उसका स्थिर हो जाता था, लेकिन जब आरपीएस 04/2021 की स्कीम बंद हुई तो ये रेट्स 70 से लेके उसके बाद इसमें जो उछाल आया वो लगभग, जब ये आरपीएस 05/2021 की स्कीम आई थी तो रेट्स इसके आपको 80 से 85 या 90 लाख के आसपास अच्छी लोकेशन के आपको प्लॉट्स देखने को मिलते थे। ये है लगभग समय दिसंबर 2021 की बात। तो कहने का ये मतलब स्कीम बंद हो गई आरपीएस 05/2021 की, लेकिन उसके बाद भी जो प्लॉट्स आपको देखने को मिलते थे वो अच्छी लोकेशन के कॉर्नर के प्लॉट्स, अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको 90 लाख के, 93 लाख के, 1 करोड़ 10 लाख के अच्छी लोकेशन के, कोई ग्रीन बेल्ट है 45 मीटर का आपको देखने को मिलता था। और अगर हम 500 मीटर की बात करें तो आपको वहां पे ही आपको जो प्लॉट है लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का आपको रेट
अप्रैल के महीने की अगर हम बात करें 2022 में आपको देखने को मिलता था। इसके बाद जनाब अब है फाइनल स्कीम आरपीएस 06 2022 की स्कीम। ये अभी करंट स्कीम लॉन्च हुई है, हम सभी को पता है ये 7 सितंबर 2022 को स्कीम लॉन्च करी गई है और ठीक एक महीने बाद ये स्कीम बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम आज के स्तर की बात करें तो आपको पहले मैं आपको रेट्स बताता हूं और उसके बाद एक सिंपल सा आप कैलकुलेशन समझ लीजिएगा कि जो ही जो 30 की स्कीमों का सेगमेंट आया आरपीएस 04 2021 फिर आरपीएस 05 2021 और उसके बाद आरपीएस 06 2022 तो जो आरपीएस 05 2021 की स्कीम बंद हुई उसके बाद फिर मार्केट में करेक्शन आया। क्यों आया? क्योंकि जिन लोगों ने आरपीएस 04 2021 में मार खाई उन्हीं लोगों ने या फिर दिलचस्प लोगों ने जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया और मार्केट में डिमांड होने की वजह से स्तर उसका ऊपर गया। आरपीएस 05 आई उसमें भी जो लोग अनसक्सेसफुल हुए उनका भी स्तर, क्योंकि जिन लोगों का निकला ठीक है जिन लोगों का नहीं निकला उन लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, तो नतीजा ये निकला आरपीएस 05 2021 के बाद और आज की डेट में आरपीएस 06 2022 का ये जो गैप है, इस गैप में जो आपको मार्केट में जो प्रॉपर्टी के जो आपको प्लॉट्स मिलते हैं उसका एक बार हर सेक्टर वाइज रेट समझ लीजिए और सुन लीजिए। सबसे पहला सेक्टर 22 डी, सबसे छोटे प्लॉट्स सेक्टर 22 डी में मिलते हैं, सारे रजिस्टर्ड प्लॉट्स मिलते हैं, अनरजिस्टर्ड वहां पे कोई सेल नहीं होता। 120 स्क्वायर मीटर और 162 स्क्वायर मीटर दो कैटेगरी में मिलते हैं। आप अगर कोई भी प्लॉट 120 स्क्वायर मीटर में लेना चाहते हैं तो आपको वो प्लॉट कम से कम 70 से 75 लाख के बीच में आपको देखने को मिलता है। और अगर हम 162 स्क्वायर मीटर की बात करें तो उसकी जो इन्वेंट्री आपको 80 से 85 लाख के बीच में देखने को मिलती है। लेकिन आपको ये बता दे कि इसमें ड्यू टू लेस अलॉटमेंट, क्योंकि वहां सेक्टर 22 डी में बहुत लिमिटेड प्लॉट्स है इसलिए वहां पे डिमांड, और छोटे प्लॉट्स है इसलिए उधर के एरिया में डिमांड बहुत रहती है, तो इसलिए जब भी वो प्लॉट आते हैं वो टोटली जो है बहुत जल्दी एक हफ्ते के अंदर या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर आपको सोल्ड आउट हो जाते हैं, मार्केट में आपको अवेलेबिलिटी उसकी नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं 300 स्क्वायर मीटर प्लॉट की, तो आपको बता दे 300 स्क्वायर मीटर आप आज की डेट में कोई भी प्लॉट लेते हैं तो आपको 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, आप अगर कोई भी 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट देखते हैं सेक्टर 18 में या सेक्टर 20 में, आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट आपको कम से कम 95 लाख से लेके स्टार्टिंग है और लगभग आपको जो उसका जो रेट है वो अच्छी अगर आप लोकेशन का प्लॉट देखते हैं तो आपको वो 1.05 से लेके 1.20 CR के बीच देखने को मिलता है। और कोई भी रजिस्टर्ड प्लॉट आपको जनरल लोकेशन का आपको जो प्लॉट कम से कम 1.10 CR से लेके 1.30 CR के बीच में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं 500 स्क्वायर मीटर साइज की प्लॉट की, आपको ये बता दे 500 स्क्वायर मीटर का अगर रजिस्टर्ड प्लॉट आप देखते हैं तो आपको वो लगभग 1.90 CR के आसपास का आपको प्लॉट मिलता है। और अगर हम बात करें बड़े साइज प्लॉट की, कहने का मतलब 1000 स्क्वायर मीटर साइज के प्लॉट की, तो आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट लगभग 32000 स्क्वायर मीटर से 35000 स्क्वायर मीटर के बीच में आपको रेट मिलता है। अगर हम इंडस्ट्रियल प्लॉट की रेट की बात करें जो कि सेक्टर 29 और 32 में है तो आपको बता दे वहां पे आपको जो रेट आपको मिलता है इंडस्ट्रियल प्लॉट का वो लगभग आपको 22500 से लेके 20500 स्क्वायर मीटर का आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट का रेट आपको आज की डेट में देखने को मिलता है। कहने का ये मतलब है अगर हम पीछे का पड़ाव को अगर हम देखें और एनालिसिस करें तो जनाब जितनी स्कीम्स आई ये सारी स्कीम्स
हमेशा मार्केट में एक स्थिरता लाती है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि हम अच्छी जगह या कोई स्कीम जो आई हुई है क्यों ना उसमें अप्लाई करके अपने किस्मत आजमा ले, ताकि हमें मार्केट से कम प्रॉपर्टी जो है आधे रेट पे मिलने के चांस हो जाए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉपर्टी में अपना लक लगाने के बाद भी, चांस लगाने के बाद भी उनकी किस्मत नहीं खुलती मजबूरी में, क्योंकि जेवर एक ऐसी जगह है जहां पे हर काम बहुत ही तेज रफ्तार से एयरपोर्ट की खास अपडेशन का चल रहा है। और आपको ये बता दे, डे बाय डे वक्त जैसे जैसे स्कीम्स आएंगी हमेशा मार्केट में एक सर रुकेगा, लेकिन वो हमेशा थोड़े समय बाद जब रिजल्ट आ जाएगा और उसके कुछ महीनों बाद कुछ खास अपडेशन मेट्रो से रिलेटेड या फिर एयरपोर्ट से रिलेटेड या फिर और कोई खास अपडेशन इस मार्केट को ऊंचे के स्तर पे लेकर ही जाएगा। ये अब मार्केट किसी भी स्तर पे जाए आप ये जरूर समझ लीजिएगा, मार्केट नीचे नहीं टूटेगी। सिंपल सा फंडा है, कोई भी इंसान अगर आपको बहकाता है कि 2024 में गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं तो ये जेवर का क्या होगा, जनाब आपको ये बता दे, आप सभी को पता है, आप हमारे चैनल के पुराने हर एक सब्सक्राइबर हैं, एक खास वीडियो मैंने बनाई नहीं, मैंने आपको हमेशा अपडेशन देता रहा हूँ। ये जिस तरीके का एरिया है इधर हर तरीके का लार्ज स्केल में टेंडर निकाला गया है, और जैसे कि YIAPL एक डेवलपर कंपनी जेवर एयरपोर्ट का काम कर रही है और टाटा कंपनी भी इसका अब सारा का सारा काम कर रही है, किसी भी तरीके की अगर डिले होता है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है मार्च 2024 डेडलाइन है, ट्रायल शुरू हो जाएगा सितंबर 2024 में, उड़ाने शुरू हो जाएंगी लास्ट वीक में। तो कहने का ये मतलब, अगर डिले करता है डेवलपर कंपनी तो उस पे पेनल्टी है 10 लाख रुपए पर डे की। तो आप समझ सकते हैं ये तो मजाक हो गया कि गवर्नमेंट सरकार अगर कोई और हाई कुछ भी हो इस एरिया पे इन चीजों का अब असर नहीं देगा होगा। लेकिन ये जरूर है ये एक हाइलाइटेड प्रोजेक्ट है, ये एक डिमांडेबल प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी अब हम नेशनल लेवल पे कहे या इंटरनेशनल लेवल पे कहे, स्टेट लेवल पे कहे या हम किसी और किसी भी लेवल पे कहे, आपको इतना जरूर बताए इसकी नजर हर एक इंसान को है और हर एक इंसान इसकी भूमि पे अपना जरूर मकान या फिर कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहता है। यही एक सच्चे एक सच है, कड़वा सच समझे या मीठा सच समझे, यही हकीकत है। उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो आप सब तक पहुंच गई होगी, वीडियो को लाइक करना ना भूले, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, गुड बाय, धन्यवाद।